तो जमशेदपुर के निमटार गांव में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया, जहां भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया गया। इसका जायजा लिया सहयोगी प्रभात ने। अफकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पोटका के कवाली थाना अंतर्गत निमटाण से, देखिए आप मेरे नीचे आप देख रहे हैं, अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। कल देर रात इन लोगों ने छापामारी की, आप देखिए किस तरीके से नकली शराब बनाने के लिए जो ड्राम आपको नजर आ रहा है उस ड्राम में स्प्रिट रखा हुआ था। साथ ही ये जितने शराब आपको नजर आ रहे होंगे ये शराब सब नकली है, इससे हो सकता है किसी की जान भी जा सकती है। और ये रैपर, ये ढक्कन, ये सारे चीज, ये सारे जितने जी आप नजर आ रहे हैं, मैं सहयोगी दिखा रहे हैं, सारे नकली है। निश्चित तौर पर ये लगातार ये कार्रवाई की जा रही है कमिश्नर अरुण कुमार मिश्रा के द्वारा, और बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहे हैं। हमारे साथ कमिश्नर अरुण कुमार मिश्रा जी। सर, इससे पहले भी आप लोगों ने कई बड़ी कार्रवाई की है, ये कितना अचीवमेंट है, कितना बड़ा अचीवमेंट? देखिए, कोई भी जब हम इस टाइप का अवैध शराब का खेप पकड़ते हैं जिस जो जानलेवा है, तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट होती ही है। लेकिन हमारा आगे भी जारी रहेगा, और मैं चाहूंगा जी लॉजिकल कंक्लूजन तक, और इसको भी मैं सीआईडी को भेजूंगा, जिसको हम लोग जहां तक जांच कर लें उससे आगे जांच करें, जो इसमें जो भी पैसा लगा फाइनेंसर है, जो भी संलिप्त व्यक्ति है, उस चिन्हित हो सके, उसको सजा मिल सके। गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई, चूंकि 1 बजे रात में हुआ, वीरान जगह में रखे हुआ था, एक नया घर बना है, बाउंड्री नहीं थी, उसमें एक फूस का घर था, उसमें ये बंद था। हम लोगों को गोपनीय सूचना मिली 12 बजे, मतलब कल रात में ही मिली, तो 12 बजे हम टीम को भेजे, 1 बजे वहाँ दबिश पड़ी है। यहाँ तो रॉ स्प्रिट है, लगभग 450 लीटर है, और शराब बना हुआ 240 लीटर है, जो रंगीन शराब, जो कुछ फिलअप 1000 बोतल है खाली, कम से कम 5000 से 10000 के बीच में। आपको ढक्कन है, उसका होलोग्राम मिला है, उसमें लगाने का जो भी उसका मटेरियल है, एक शराब का बोतल तैयार करने, सभी मिले, सभी अवैध है। सही अनवर के साथ प्रभात, न्यूज 11 जमशेदपुर। और प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर और जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। प्रभात, देखिए बार बार छापेमारी होती है, कई बार उद्भेदन भी होता है, अब इस वजह से कि मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है, लेकिन क्या इनके संरक्षणकर्ताओं तक जो संरक्षण दे रहे हैं वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती क्या? बिल्कुल बंगा, देखिए यही इसी को लेकर असिस्टेंट कमिश्नर अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि इस मामले को हम लोग सीआईडी में देंगे, ताकि जो इसके पीछे के जो मेन जो फाइनेंसर है, जो पैसा लगाने वाले, उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि देखिए जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है, या तो फिर अवैध शराब चुलाई भट्टी की बात करें या फिर मिनी शराब भट्टी की बात करें, वहां तो गिरफ्तारी किसी को होती नहीं, क्योंकि जब पुलिस पहुंचती है वहां तक वो लोग बाहर खड़े होते हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि सीआईडी को देखिए इसकी जांच कराई जाएगी, ताकि इसके पीछे के जो लोग हैं, जो पैसा लगाने वाले लोग, उनकी गिरफ्तारी की जा सके, ताकि इस तरीके का जो अवैध शराब फैक्ट्रियां बनाकर जो बेची जा रही है उस पर कार्रवाई की जा सके। लगातार ये कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो पोटका प्रखंड की बात करें, या फिर चकुलिया प्रखंड की बात करें, या जमशेदपुर प्रखंड की बात, सभी प्रखंडों में लगातार अवैध महुआ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अंग्रेजी शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और खासकर होली के समय में ये सब ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि होली में शराब की बिक्री ज्यादा होती है, और इस तरीके से लोग किसी भी दुकान से शराब खरीद लेते हैं, या फिर कहीं जाके भी शराब खरीद लेता है, ऐसे ही शराब पीने से लोगों की मौत होती है। इसीलिए असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि इसके सीबीआई में दूंगा, इससे पहले भी कई बार। इस पर उन्होंने कुछ कहा क्या कि जो लोग फरार हो जाते हैं आमतौर पर, तो मतलब क्या है, सूचना तंत्र की विफलता है, या फिर उनका सूचना तंत्र ज्यादा मजबूत है कि मतलब ये वाले हो जाते हैं? अमूमन ऐसा होता है कि जो भी शराब की, चाहे अवैध चुलाई भट्टी हो या फिर बड़े अवर्जी शराब की फैक्ट्रिया हो, जो रहती है फैक्ट्रिया, वो जंगल या फिर सुनसान इलाके में होते हैं। जैसे पुलिस की सूचना, जब पुलिस जब गांव में पहुंचना चालू होती है, तो गांव के लोग कहीं ना कहीं सूचना दे देते हैं, जो लोग रहते हैं वो फरार हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं गांव के लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि इस तरीके से जो अवैध कार्य हो रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, और अंकुश लगाने से ही तब जाकर इस तरीके के कार्य रुकेगा, और जो जाने जाती है वो रोका जा सकता है। इसी तौर पर जिस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि लगातार ये कार्रवाई चलेगी और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, और उन्होंने अपील भी किया कि जो अगर शराब तो ना पी, अगर जो शौकीन है शराब पीने का, वो शराब की जो सरकारी दुकान है वहां से ही शराब ले, ना कि किसी अरे गहरे दुकान से या फिर कहीं से भी जाके शराब खरीद लेते हैं, और उसके बाद उनकी रेवेन्यू का नुकसान भी होता है सरकार को, साथ ही साथ जान जोखिम में डालते हैं ऐसे लोग जो कहीं से भी शराब खरीद लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।